हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टीफाई 99। आज हम बनाएंगे डांडिया और ये हमारी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनेगी। इसके लिए हमें चाहिए वूलन और रिबन, कटर, कैंची, कुछ डेकोरेशन के सामान। ये अमलताश के पौधे की फलियां हैं, इनसे हम बनाएंगे। ये आसानी से टूटती नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये थोड़ी लंबी थी, मैंने इनको साइड से काट के ज्वाइन कर लिया है। ये मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था लहरिया, इसी को इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। इसकी साइज़ का बिल्कुल इक्वल अपन इसको पहले कट कर लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से एक एक इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चारों तरफ से कवर हो जाए। ये देखिए, इसके इक्वल हमने कट कर लिया है। ये साइड के जो पार्ट्स होते हैं थोड़े उठे उठे से रहते हैं, तो इसको हम कटर की सहायता से कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसे ग्लू गन की हेल्प से कपड़े को इस फली के ऊपर चिपका देंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्लू जो होता है थोड़ा गर्म होता है, हाथों में ना चिपक जाए। ये हमने चारों तरफ से इसको अच्छे से चिपका दिया है और ऊपर के जो हिस्से होते हैं उनको एक्स्ट्रा कपड़ा अगर हो तो कट कर दे और अच्छे से फोल्ड करके इनको भी ग्लू गन की हेल्प से चिपका दे इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो गया है। ये अब इसको डेकोरेट करते हैं। ये सामान डेकोरेशन का इजीली मार्केट में मिल जाता है और बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगानी होती अपने को। ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो क्लॉथ है वो लहरिया पैटर्न में है, इसलिए हमने इसको लहरिया पैटर्न में ही डेकोरेट किया है। इसे राउंड राउंड करते हुए इससे उसका क्लॉथ और ये डेकोरेशन दोनों अच्छे से मैच हो जाएंगे। पूरी स्टिक को इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। देखिए, लग रहा है ना प्यारा सा। अब इसको थोड़ा सा और लुक देंगे। ये एक रिबन है, इसको भी इसी तरीके से हम इस पर इसके ऊपर हम चिपका देंगे। ये साइड में थोड़ा सा इसको ज़्यादा लगाएंगे ताकि जो साइड में हम लूम लगाएंगे वो थोड़ा अच्छा दिखे। इसके लिए लूम रेडी करने के लिए हम वूलन लेंगे। मैंने दो कलर के वूलन लिए हैं, गोल्ड और वाइट। इनको मैंने फिंगर के ऊपर 30 राउंड दोनों के लगाए हैं। दोनों कट करके फिर ज्वाइन कर लेते हैं, एक धागे की सहायता से बांध देंगे। अच्छे से टाइट बांधना होता है, अगर लूज बांधते हैं तो कटिंग के टाइम पे ये बिखर जाता है। अब इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे। हमें तब तक कट करना है जब तक कि इसकी प्रॉपर फिनिशिंग ना आ जाए। इसको बीच बीच में ऐसे रब करते रहना है ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए, थोड़ा फिनिशिंग से दिखे हमें। ये देखिए, धीरे धीरे फिनिशिंग आ रही है इसमें। जो जो एक्स्ट्रा दिखता है, बड़ा दिखता है, इसको कट कर देते हैं। इसको पॉम्पम फ्लावर भी बोलते हैं। देखो, बहुत ही प्यारा पॉम्पम रेडी हो गया है। अब लूम रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारा लूम रेडी हो गया है। अब इसको साइड में हम अटैच कर देंगे। ये देखिए, हो गई ना हमारे गरबे के लिए डांडिया तैयार। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके आपको कैसी लगी ये यूनिक डांडिया। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नया आया है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।